खुदा की कसम ऐसा होने नहीं दूंगा। मेजर कामराज, तुमने इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे ले लिया? रूल्स फॉलो करने होंगे। कैसे रूल्स? कोई किसी को उकसाएगा नहीं। क्रिकेट के मैदान पर कोई भी सोल्जर नहीं होगा, खिलाड़ी। जो भी इन रूल्स में से एक भी रूल तोड़ेगा उसे हारा हुआ माना जाएगा। एक बार हम जीत गए ना तो यहाँ से 18 किलोमीटर तक के सारे गांव को मुस्लिम गांव में तब्दील कर देंगे और उस गांव का नाम रखेंगे शिकस्ताया हिंदुस्तान। अबे तुम्हारे लिए 2 गज जमीन काफी है, 2 गज। 18 किलोमीटर जमीन लेके अपनी पूरी फौज को नहीं दबाओगे? 1971 में पाकिस्तान ने हमारी 18 किलोमीटर जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिया था। मुझे लगा था कि इस मैच से हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी और हमारी फौज को जान और माल का नुकसान भी नहीं होगा। आर्मी ज्वाइन करते समय दुश्मन आर्मी को जंग के मैदान में जवाब देने की शपथ ली थी हमने, किसी खेल के मैदान में। बात तो क्रिकेट की नहीं है इकबाल, उन्होंने क्रिकेट पर नहीं बल्कि हमारे देश पर उंगली उठाई है और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हिंदुस्तान पर किसी ने उंगली उठाई है हम सिपाहियों ने वो हाथ ही उखाड़ दिया है। मैंने हिंदुस्तान की जीत के लिए दिल से दुआ की है ताकि मेरा गांव भी हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल हो जाए और मैं गर्व से कह सकूं भारत माता की जय। तूने अपनी जिंदगी का हर डिसीजन जल्दबाजी में लिया है। डिसीजन तो ले लिया है इकबाल, सही है या गलत ये तो जिस पोस्ट को पाकिस्तानी से बचाने के लिए तू अपना अपना खून बहाने को तैयार है ना, उसी पोस्ट को तेरा कामरा साहब एक क्रिकेट के मैच में घुमाने के लिए तैयार है। तुम में और हम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तुम अपने देश को जिताना चाहते हो, हम अपने मुल्क को जिताना चाहते हैं। तुम मैच जीत कर हमारी जमीन, अपनी इज्जत और रुखसाना का प्यार हासिल कर लोगे। मुझे लगता है ये मैच होगा। हाँ होगा। नहीं होगा।